स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने प्रश्न कुंडली की छठी कड़ी यानी सिक्स्थ पार्ट को लेकर हाजिर हूं और यहां से आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है। अच्छा लगेगा आप अगर ध्यान से समझेंगे ध्यान से सुनेंगे। तो धन संबंधी प्रश्न अक्सर जातक ज्यादा करते हैं कि धन की स्थिति क्या है और धन मुझे कब मिलेगा। ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है और मैं इसका बहुत सरल तरीके से आपको उदाहरण दूंगा, ज्यादा क्रिटिकल ना करते हुए, जिससे कि आपको समझ में आए। मेष लग्न की कुंडली को मैंने उदाहरण बनाया है, बाकी रूल्स आप समझ जाने के बाद उसको दूसरी कुंडलियों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो धन संबंधी प्रश्न जब भी आता है तो जातक का प्रश्न यही होता है कि धन कब मिलेगा मुझे, धन की कमी चल रही है। तो आपने देखना है कि धनेश जो कि यहां शुक्र बनता है और मंगल जो कि लग्नेश है, मंगल के साथ शुक्र का इत्थसाल योग कब बन रहा है, यानी मंगल जो कि शुक्र से धीर गति का प्लैनेट यानी मंद गति का प्लैनेट है, शुक्र मंगल से कहीं तेजी से चलता है। जैसे अमूमन मंगल 45 दिन एक राशि में रहता है जनरल तौर पे, रिट्रोग्रेड हो तो फिर आगे पीछे होता है वो अलग बात है, रिट्रोग्रेड में ज्यादा दिन रहता है, इस बार तो बहुत ज्यादा दिन रहेगा मकर में उच्च का जो है इस वक्त। तो शुक्र 30 दिन में अमूमन लगभग राशि बदल देता है। तो मंगल अगर सामने है, मान लीजिए मार्स यहां पंचम भाव में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में, और शुक्र धनेश यहां है, ठीक है, तो निश्चित तौर पे शुक्र इस मंगल को क्रॉस करेगा क्योंकि शुक्र ज्यादा तेजी से चलने वाला ग्रह है। इस मंगल को क्रॉस करेगा यानी इस मंगल के साथ शुक्र का धनेश का इत्थसाल योग बनेगा। यहां एक रूल और याद करना है, रखना है आपको, कि मंगल और चंद्रमा दोनों के साथ इत्थसाल योग बनेगा तो धन प्राप्ति का योग बनता है। तो चंद्रमा निश्चित तौर पे शुक्र से भी तेजी से घूमता है, तो चंद्रमा अगर पीछे से आकर धनेश के साथ इत्थसाल योग बना देता है तो धन प्राप्ति का दिन आप मुकर्रर कर सकते हैं। मतलब आपने यहां यह देखना है कि जब प्रश्न पूछा गया उस वक्त मेष लग्न की कुंडली खुली और चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा मान लीजिए एकादश में बैठा हुआ है। तो अब आपने जिस दिन प्रश्न पूछा है अब आपने कैलकुलेट करना है कि चंद्रदेव कब यहां यानी मिथुन राशि में आएंगे, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, चंद्रमा मिथुन राशि में कब आएंगे ये देखना है आपने, वो दिन आप मुकर्रर कर सकते हैं जातक को धन प्राप्ति के लिए कि भाई आपको इस दिन धन प्राप्ति का योग बनता है। और दूसरा, शुक्र मंगल से कब इत्थसाल योग बना रहा है, यानी चंद्रमा शुक्र से जब इत्थसाल योग बनाएगा और शुक्र मंगल के साथ जब इत्थसाल योग बनाएगा तो धन प्राप्ति का दिन मुकर्रर आप उस दिन कर सकते हैं कि इस दिन आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। धन संबंधी प्रश्न अगर जातक का है तो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग और एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आपको अच्छी लगेगी और सुनकर, कि आपने ये देखना है कि इत्थसाल योग बन किस भाव में रहा है। मान लीजिए मंगल यहाँ पंचम में है तो जातक को अचानक धन लाभ, छोटी मोटी लॉटरी लग जाने वाला चक्कर भी हो सकता है, ठीक है ना, पंचम से तृतीय या पंचम से तो लॉटरी का विचार हम करते हैं, पंचम से खास करके अचानक धन प्राप्ति और लॉटरी सट्टा शेयर इत्यादि का विचार होता है। तो पंचम में अगर इत्थसाल योग बन रहा है तो लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति,
आर्ट कल्चर इत्यादि पंचम भाव, चूंकि आर्ट का भाव है, संगीत का भाव है, इन कामों में जो इन्वॉल्व है उस रास्ते से कमाई, अभिनय क्षेत्र में जो है अभिनय से कमाई, ठीक है ना, पंचम भाव जो जो चीजों को इंडिकेट करता है। लेकिन मंगल अगर चतुर्थ भाव में है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मंगल अगर चतुर्थ भाव में है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से लाभ होने का योग बनता है। मान लीजिए मंगल चतुर्थ में है और शुक्र मंगल के साथ यहाँ इत्थसाल योग बनाता है। इत्थसाल योग के बारे में मैं पिछले वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ, पार्ट 5 में, आप उस पार्ट को देख लीजिए इत्थसाल योग को समझने के लिए। चतुर्थ भाव में अगर इत्थसाल योग बनता है तो लाभ हो सकता है जमीन जायदाद से, वाहन से लाभ हो सकता है, वाहन की खरीद फरोख्त से, जमीन की खरीद फरोख्त से, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से या कंस्ट्रक्शन के काम से। अब आप समझ रहे हैं, सूत्र आपको मिल गया, अब आपने ये जोड़ते चलना है। मंगल अगर यहाँ छठे भाव में है, मंगल मान लीजिए यहाँ छठे भाव में है, तो आप कह सकते हैं कि नौकरी से धन प्राप्ति या लोन प्राप्ति का योग बनता है। सातवें में है तो मंगल अगर, और यहाँ इत्थसाल योग अगर बनता है मंगल शुक्र का, तो व्यवसाय से धन प्राप्ति, पार्टनर से धन प्राप्ति, इसी तरह अष्टम में बनता है तो एंसेस्ट्रल या पुराना पैसा मिलने का योग। नवम में अगर योग बनता है तो धार्मिक कार्यकलाप से धन प्राप्ति। दसम से बनता है तो सरकारी पैसा मिल सकता है, ठीक है ना, कर्म से आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। एकादश से अगर बनता है योग, मतलब मंगल एकादश में है और शुक्र का धनेश जो है मेष लग्न में, या मेष लग्न जो खुली है प्रथम कुंडली में, तो शुक्र यहाँ अगर मंगल के साथ अगर इत्थसाल योग करता है, या चंद्रमा शुक्र के साथ इत्थसाल योग करता है एकादश भाव में, तो बड़े भाई से धन प्राप्त हो सकता है, अचानक आपको धन प्राप्त हो सकता है, मित्रों से धन प्राप्त हो सकता है। इत्थसाल योग तृतीय भाव में बनता है तो कम्युनिकेशन के काम में, मार्केटिंग के काम में धन लाभ आपको हो सकता है। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, द्वितीय भाव में अगर बन जाए तो क्या होगा? मान लीजिए द्वितीय भाव में अगर योग बनता है, इत्थसाल योग बनता है, तो क्या होगा? रत्नों के काम से, स्वर्ण आभूषण के काम से आपको धन लाभ हो सकता है, ठीक है ना। मुख्य बिंदु जो है, धन संबंधी प्रश्न अगर हो तो आपने ये रूल जो मैंने कहा है इसको अप्लाई करके देखना है। आपको मैं आशा करता हूं कि सटीक उत्तर आपको मिलेंगे। इस पे प्लस माइनस वाली स्थिति भी है कि शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति की दृष्टि अगर इत्थसाल योग जहां बन रहा हो, बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ रही हो, तो भाई सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। राहु की दृष्टि पड़ जाती है, शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो चूंकि शनि मेष लग्न में आयेश है, यानी लाभ प्राप्ति या लाभ भाव का लॉर्ड है, तो पाप ग्रह होते हुए भी आपको वहां फायदा ही दिला देगा। राहु की दृष्टि सीधी थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है। ये छोटी छोटी बातों को भी आपने जोड़ते चलना है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैंने बताई वो इत्थसाल योग का बिंदु, धनेश और लग्नेश का इत्थसाल योग, और चंद्रमा के साथ धनेश का इत्थसाल योग। और ऐसा अगर हो जाए कि शुक्र का मंगल के साथ इत्थसाल योग हो रहा है और चंद्रमा भी उसी वक्त, क्योंकि चंद्रमा तेजी से घूमने वाला ग्रह है, हो सकता है वहां तीनों का मेल हो जाए, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति बनती है धन प्राप्ति के मामले में, ठीक है ना। आई होप ये अच्छा लगेगा ये वीडियो आपको। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई और टॉपिक लेके आपके सामने आऊंगा। ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता, आप शॉर्ट में समझे। छोटे छोटे वीडियो इस तरह उठाकर मैं आपके सामने रखूंगा। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इन एग्जाम्पलों से सीखना है और दूसरी लग्नों पे इसको अप्लाई करना है। आई होप काफी सरल तरीके से मैंने बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से, उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।